तब से उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब माता लक्ष्मी इस धरती पर अवतरित हो। धरती से अधर और अत्याचार का नाश करने हेतु हमारा अंश रूप उस रक्त कुंभ में स्थित हो चुका है। ओ, उस सर्वभूमि जग मिटई कलेसा, हर्षित जन मिथिला के देसा। हो धरती के भाग जगावन लागे, हल मिथिलेश चलावन लागे। चारों ओर भई जय जय बोलो राजा जनक की जय, जय जय बोलो राजा जनक की जय। महाराज लंकेश की जय, महाराज रावण की जय, महाराज लंकेश की जय, महाराज रावण की जय, महाराज लंकेश की जय। दुष्यन, ये तो किसी बालिका की रुदन की ध्वनि है। हाँ खर, पर ये ध्वनि इतनी तीव्र और कान भेदी है, ऐसा लगता है कि मानो कान ही फाड़ देगी। Thank you.
महाराज महाराज, ये कैसा चमत्कार है! ये कन्या जो पृथ्वी के गर्भ से प्रकट हुई है। हाँ महारानी, ईश्वर की लीला भी बड़ी विचित्र है। जल से अग्नि प्रकट हो जाती है तो पत्थर से भगवान निकल आते हैं, ठीक उसी तरह आज भूदेवी के गर्भ से हमें कन्या रत्न मिली है। महाराज, ये कन्या रत्न नहीं, हमारा भाग्य रत्न है। देखिए ना, इसके आते ही वर्षों से छाया अकाल समाप्त हो गया। महारानी, ये तो पृथ्वी की पुत्री है जो स्वयं भूदेवी ने आपको उपहार स्वरूप प्रदान की है। हाँ ऋषिवर, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ये धरती माता का ही वरदान है जो आज हमें कन्या के रूप में मिला है। देव ऋषि, देव गणों, माता लक्ष्मी के इस अद्भुत बाल रूप के दर्शन करके अपने आप को धन्य कर लीजिए। हे विधाता, ये पृथ्वी पुत्री है या कोई दिव्य कन्या, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु ये कन्या मिथिला वासियों के लिए भाग्य स्वर बनकर आई है। इसके आते ही मिथिला नगरी पर वर्षों से छाए हुए दुख के संकट छट गए हैं, सूखा और अकाल समाप्त हो गया है। हाँ विधाता, अतः आप हमें बताएं कि अब हम इस दिव्य कन्या का क्या करें। हे विधे राज जनक, ये तुम्हारे वर्षों से संचित पुण्य कर्मों का फल है जो तुम्हें भूमि के गर्भ से कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। तुम इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करके इसका पालन पोषण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। आपकी ही माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना का फल है जो आज आपको और हमें मिला है। हे विधाता, हे समस्त देवगणों, जल वायु अग्नि आदि पंच तत्वों, आप सब सुने, मैं मिथिला नरेश राजा जनक और मेरी पत्नी महारानी सुनैना आप सबको साक्षी मानकर आज ये घोषणा करते हैं कि इस धरापुत्री को हम अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। ये घोषणा करते हैं कि इस धरापुत्री को हम अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। ये घोषणा करते हैं कि इस धरापुत्री को हम अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं।
मंगल करनी लक्ष्मी माता। जगत की जननी महालक्ष्मी सीता रूप में आई, जनकपुरी में जन्म हुआ है जनक लली कहलाई। जग जननी देवी सीता मंगल करनी लक्ष्मी माता। जय हो देवी सीता जनक लली, जय हो देवी सीता जनक लली। लक्ष्मी, आप इस जगत में संसारिक लीला करने के लिए अवतरित हुए, हम आपके आभारी हैं। धरती लोक पे आपका स्वागत है। नाच उठी है धरती सारी, देव फूल बरसाए, नाच रहे गंधर्व अप्सरा जय जयकार लगाए। नाच रहे गंधर्व अप्सरा जय जयकार लगाए। राजा जनक की मिथिला नगरी बना लक्ष्मी धाम, मिथिला राज की शोभा बढ़ गई, देवा करे प्रणाम। जय हो देवा करे प्रणाम, देखो देवा करे प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देखिए देवर्षि, आपके कहने से हमने अपने राज्य की बंजर धरती पर हल चलाया, जिससे धरती माता ने प्रसन्न होकर हमें ये पुत्री रत्न दिया। इस कन्या के आते ही हमारे और हमारे मिथिला नगरी के सारे कष्ट दूर हो गए। हाँ देवर्षि, ये सब आपके ही कारण हुआ है। आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। कन्या तो देवी का रूप होती है महाराज जनक, साक्षात देवी लक्ष्मी कन्या के रूप में आपके घर पधारी हैं। अब आप निसंतान नहीं रहे, अपितु संतानवान हो गए हैं। मिथिला की भूमि के द्वारा आपको पुत्री सुख की प्राप्ति हो गई है। नारायण नारायण। सब आपकी कृपा है देवर्षि। ये तो ईश्वर की इच्छा और आपके पुण्य कर्मों का फल है। देखिए महारानी, आपकी पुत्री के लिए देवताओं ने भेंट स्वरूप ये दिव्य पालना भिजवाया है। आप इस पालने को स्वीकार कीजिए।
अब ये मेरी पुत्री इसी पालने में खेलेगी। देवर्षि, देवताओं ने जो मुझ पर कृपा की है इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। हे विदे, आप बड़े ही भाग्यवान हैं जो आपको ये पुत्री प्राप्त हुई। ये कन्या अपने सदाचार और सद्व्यवहार के कारण जगत में आपके कुल की ख्याति का कारण बनेगी। ये स्त्री मर्यादा का ऐसा उदाहरण स्थापित करेगी कि आपकी कीर्ति युग युगांतर तक बनी रहेगी। चार शुभ नहीं है भैया, ना ही वो रक्त कुंभ नष्ट हो पाया और ना ही जनक परलोक सुधार पाया। मारुति, ये ऋषिगण हैं, तुम्हें गुरुकुल ले जाने के लिए आए हैं। भैया अब अमर हो गए।